मेरा मन स्वदेशी, मेरा तन स्वदेशी। चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। मेरा वे कफन स्वदेशी। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। विद्यार्थी दोस्तों, कल आपसे जो बातचीत की थी, आज उससे थोड़ा आगे की बात आपसे करूंगा। आज मेरे साथ एक संकट ये है कि मुझे यहां से निकलकर ठाणा तक जाना है। ठाणा में 9 बजे से मेरा व्याख्यान है और यहाँ से ठाणा पहुँचने में कम से कम 40-45 मिनट का समय लगता है। तो आज आपके बीच में कुछ ज्यादा बात कहने की परिस्थिति में नहीं हूँ। कल जितना लंबा व्याख्यान चला था, आज का व्याख्यान उसका करीब करीब आधा चलेगा। मैं कल के व्याख्यान में आपसे कह रहा था कि आप स्वदेशी अपनाएं और भारत की अर्थव्यवस्था को बचाएं, भारत की आजादी को बचाएं, भारत की आज की परिस्थिति से भारत को बाहर निकालने में मदद करें। लेकिन एक संकट हमारे देश का ऐसा है कि ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी सामान हम अपनाना तो चाहते, लेकिन ज्यादा लोग ऐसा कहते हैं कि राजीव भाई स्वदेशी सामानों का प्रचार नहीं होता, लोगों को मालूम नहीं है, लोगों को माहिती नहीं है कि स्वदेशी सामान क्या है जिसको हम खरीद सके। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि परदेशी कंपनियों के सामानों का बहुत प्रचार होता है। परदेशी कंपनियों के सामानों का सबसे ज्यादा प्रचार होता है टेलीविजन पर। आप सवेरे से लेकर शाम तक किसी दिन एक टेलीविजन का कोई चैनल खोलकर बैठ जाइए और आपको पता चलेगा कि परदेशी कंपनी के किसी सामान का जाहिरात कम से कम 100 बार आएगा पूरे दिन में। कॉलगेट का जाहिरात कम से कम 100 बार आएगा, क्लोजअप सिबा का, फोरहंस का भी आएगा, फिर पेप्सी कोला, कोका कोला का भी आएगा, 50 दूसरे सामानों का भी आएगा। हमारी तकलीफ क्या है कि हम सब जब टेलीविजन देखते हैं तो बार बार वो जाहिरात हमको देखना पड़ता है, हम नहीं चाहते फिर भी देखना पड़ता है। हम चाहते हैं कि हम कोई सीरियल देखें, हम चाहते हैं कि हम कोई फिल्म देखें, लेकिन सीरियल के बीच में जाहिरात घुसा देते हैं, फिल्मों के बीच में जाहिरात घुसा देते हैं। 5 मिनट का सीरियल दिखाएंगे, उसके बाद 5 मिनट जाहिरात दिखाएंगे, 10 मिनट तक फिल्म दिखाएंगे, उसके बाद फिर 10 मिनट जाहिरात दिखाएंगे। तो बार बार मजबूरी में हमको जाहिरात देखने पड़ते हैं और जाने अनजाने में हम जो जाहिरात देख रहे हैं, ये जाहिरात हमको धीरे धीरे याद होने लगते हैं। और जब जाहिरात हमको धीरे धीरे याद होने लगते हैं तो फिर हमारे स्मृति में वो बैठ जाते हैं और हम कभी जब बाजार में जाते हैं तो हमको टूथपेस्ट के नाम पर सिर्फ कॉलगेट याद आता है, या साबुन के नाम पर सिर्फ लाइफ बॉय याद आता है, या वेजिटेबल ऑयल के नाम पर सिर्फ डालडा याद आता है। जबकि 50 तरह के वेजिटेबल ऑयल भारत में बिकते हैं, 50 तरह के टूथपेस्ट भारत में बिकते हैं, लेकिन टूथपेस्ट माने कॉलगेट, साबुन माने लक्स या लाइफ बॉय, या वेजिटेबल ऑयल माने डालडा, या सिगरेट माने सिर्फ विल। तो ये हमारी एक बड़ी भारी कमजोरी है और ये कमजोरी हर व्यक्ति में होती है, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। हम सब लोग जिस तरह से बने हैं, हमारा शरीर जिस तरह का है, शरीर का जो ढांचा है, शरीर के अंदर बुद्धि है, मन है, फिर उसके साथ हमारे शरीर में दिमाग भी है, तो दिमाग के काम करने की पद्धति सभी देश के लोगों में करीब करीब एक जैसी होती है। और मादक के आदमी के दिमाग की एक कमजोरी ये होती है, जिसका फायदा सबसे ज्यादा ये परदेशी कंपनियां उठाती हैं, कि अगर एक झूठ किसी के सामने बोला जाए एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 10 बार, फिर 50 बार, फिर 100 बार, तो लगता है यही सच है। आपने सुना होगा एक पंचतंत्र की कहानी। एक ब्राह्मण था, वो बकरी लेकर जा रहा था। जो बकरी लेकर जा रहा था ब्राह्मण, तो रास्ते में उसको 4 चोर मिले। चोरों ने ये योजना बनाई कि इसकी बकरी कैसे छीनी जाए। तो एक चोर ने कहा कि मैं जैसे कहता हूं वैसा करो। तो एक चोर उस ब्राह्मण के पास गया और उसने कहा कि ये कुत्ते को लेके कहां जा रहे हो तुम? तो ब्राह्मण ने कहा ये कुत्ता नहीं है, बकरी है। अरे, उसने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है, ये कुत्ता नहीं है, बकरी है। ये बकरी नहीं है, ये कुत्ता है। फिर ये कुत्ता नहीं है, बकरी है। ये बहस शुरू हो गई उस ब्राह्मण और चोर के बीच में। 10 मिनट तक वो बहस करने के बाद चोर चला गया।
उसके थोड़ी देर के बाद ब्राह्मण आगे बढ़ा, फिर दूसरा चोर आ गया। उसने कहा ये बकरी को लेके कहां जा रहे हो तुम? उसने कहा भाई ये बकरी नहीं है, कुत्ता है। फिर उसने कहा नहीं नहीं ये कुत्ता नहीं है, बकरी है। फिर उसने कहा नहीं नहीं ये कुत्ता नहीं है, बकरी। ऐसे करके फिर बहस हुई 10 मिनट तक, फिर बहस चली। फिर वो दूसरा चोर आगे चला गया, फिर 10 मिनट चला वो ब्राह्मण बकरी को लेके। फिर एक तीसरा चोर आया, फिर उस तीसरे चोर ने कहा ये बकरी को लेके कहां जाते हो तुम? तो ब्राह्मण को अपने दिमाग पे शक हो गया कि कहीं सच में मैं पागल तो नहीं हूं, मैं समझ रहा हूं जिसको बकरी सब कहते हैं ये कुत्ता है। एक आदमी ने कहा, दो आदमी ने कहा, अभी तीसरा भी कह रहा है कि ये कुत्ता है, हो सकता है मुझसे कोई गलती हो गई हो। जब तीसरा चोर उसको ये बोल कर गया कि ये कुत्ता है बकरी नहीं है, तो उसके मन में शंका पैदा हो गई कि मैं शायद कहीं भूल कर रहा हूं। अभी जब वो 10 मिनट और आगे बढ़ा तो चौथा चोर आ गया, कहने लगा अरे बेवकूफ आदमी ये कुत्ते को लेके तू कहां जाता है, इसको यहीं फेंक दे। तो ब्राह्मण को लगा कि बात बिल्कुल पक्की है, मेरा दिमाग खराब हुआ जो मैंने कुत्ते को बकरी समझा और ब्राह्मण ने वो बकरी फेंक दी और वो चारों चोर उस बकरी को उठा के भाग गए। समझ में आया क्या मतलब है इस कहानी का? इस कहानी का मतलब है कि एक झूठ एक बार बोला गया, दो बार बोला गया, तीन बार बोला गया, फिर चार बार जब बोल दिया गया उसको, तो सुनने वाले को लगा कि शायद यही सच है। अब हमारी मुश्किल क्या है कि टेलीविजन रोज यही धंधा करता है, सवेरे से शाम तक टेलीविजन 50 बार झूठ बोलेगा, 100 बार झूठ बोलेगा। आप बार बार वो झूठ देखते हैं, लगातार देखते हैं, कई बार देखते हैं, तो आपके मन में बैठ जाता है कि शायद यही सच है। जैसे उदाहरण के लिए टेलीविजन में कहा गया कॉलगेट करने से सांस की बदबू दूर होती है, आपने एक बार सुना। फिर दूसरी बार कहा कि कॉलगेट करने से दांतों में सड़न दूर होती है, आपने फिर सुना। फिर शाम तक आपने 20 बार सुना कि कॉलगेट करने से सांस की बदबू दूर होती है, दांतों की सड़न दूर होती है, सांस की बदबू दूर होती है, दांतों की सड़न दूर होती है। अब आपने अगर 1 साल तक लगातार इसको सुन लिया तो आपको लगेगा बात बराबर है, अभी कॉलगेट ही करना चाहिए तो सांस की बदबू भी दूर होगी, दांतों की सड़न भी दूर होगी, आप कॉलगेट खरीद लाएंगे। और ये परदेशी कंपनियां क्या करती हैं कि आपको कई तरह से अपना जाहिरात दिखाती है। एक बार तो वो टेलीविजन पे दिखाएंगे, फिर आप अगर अपने घर से बाहर निकलेंगे किसी सड़क पर जाएंगे तो वहां बहुत बड़े होर्डिंग पर लिखा होगा सांस की बदबू, दांतों की सड़न, कॉलगेट का सुरक्षा चक्र। फिर आप अखबार खोलेंगे सवेरे सवेरे तो अखबार के पहले पन्ने के दूसरे पन्ने पर जाहिरात होगा सांस की बदबू, दांतों की सड़न, कॉलगेट का सुरक्षा चक्र। फिर आप कोई पत्रिका पढ़ेंगे, पत्रिका का पन्ना उल्टेंगे, वहां पर भी यही लिखा होगा सांस की बदबू, दांतों की सड़न। अब आपने टेलीविजन पे सुना, फिर अखबार में पढ़ा, फिर पत्रिका में पढ़ा, फिर सड़क पर गए तो आपने होर्डिंग में पढ़ा, फिर दुकान के अंदर घुसे तो वहां स्टिकर लगा हुआ है सांस की बदबू, दांतों की सड़न। तो एक ही बात को आपने 5 बार देखा और पढ़ा तो ये बात आपको याद हो जाएगी। जब याद हो जाएगी तो आप जब जाएंगे दुकान पर तो कहेंगे कॉलगेट दे दो, बस यहीं पर विदेशी कंपनी का धंधा चालू हो जाएगा। तो मैंने कल के व्याख्यान में कहा कि हम सब लोग परदेशी कंपनी का सामान खरीदना बंद करें, और मुझे बहुत खुशी हुई कि सबने खड़े होकर उसका संकल्प भी लिया। लेकिन अब हमारी परेशानी यह है कि परदेशी कंपनी का माल बिकना तब बंद हो जब टेलीविजन पर परदेशी कंपनियों का जाहिरात बंद हो। और यह टेलीविजन पर परदेशी कंपनियों का जाहिरात कैसे बंद हो सकता है, इसके 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो यह है कि हमारे जैसे लोग टेलीविजन के ऊपर मुकदमा करें, केस करें, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, हाई कोर्ट में जाएं, और उस मुकदमे में हम टेलीविजन को हराएं और उसके बाद यह केस हम जीतें, उसके बाद यह बंद हो जाए। एक तो रास्ता यह है और हम इस रास्ते को अपना रहे हैं। इस समय हम लोग आजादी बचाओ आंदोलन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक केस लड़ रहे हैं, और हमारे केस का जो आधार है वो ये कि जितने जाहिरात आते हैं टेलीविजन पर सब झूठे, एक भी जाहिरात सही नहीं होता। और बार बार जाहिरात में जो झूठ दिखाया जाता है उसी झूठ को देख देख कर लोगों का दिमाग खराब होता है और लोग परदेशी माल खरीद कर लाते हैं, तो हमने केस किया हुआ है। इसके अलावा टेलीविजन पर जितने जाहिरात आते हैं उनमें झूठ के अलावा बहुत सारी उल्टी सीधी बातें भी बताते हैं जो विज्ञान के बिल्कुल उल्टी, जो हमारे सत्य से बिल्कुल उल्टी, तो वैज्ञानिकता के उल्टा प्रचार भी टेलीविजन करते हैं। और ऐसे कर करके 4-5 आधार पर हम लोगों ने मुकदमा किया है। पहले मुकदमा हमने किया था दिल्ली की लोअर कोर्ट में, निचली अदालत में, जिला अदालत में, वहां हम जीत गए। फिर उसके बाद हाई कोर्ट में गया, वहां भी हम जीत गए। अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है ये मुकदमा,
अगर हम जीत जाएंगे तो सारे टीवी चैनलों पर जाहिरात आना बंद हो जाएंगे। ये तो एक रास्ता है, लेकिन हम हार भी सकते, क्योंकि जिन परदेशी कंपनियों के खिलाफ हमने मुकदमा किया है उनके पास करोड़ों करोड़ों रुपए की संपत्ति, और हमारे पास इतना भी पैसा नहीं है कि हम हमारे वकील को फीस दे सके। हमारा वकील मुफ्त में लड़ता, वो कहता राजीव भाई आप ही अपने लिए थोड़ी लड़ रहे हैं, आप तो देश के लिए लड़ रहे हैं, तो मैं आपसे फीस नहीं लेता। तो हमारे पास सच में है भी नहीं उसको देने के लिए फीस, तो हमारा वकील तो मुफ्त का है, फोकट का है, और परदेशी कंपनियों ने तो लाखों लाखों रुपया देकर वकील किए, और हिंदुस्तान के एक एक से बड़े वकील को उन्होंने कोर्ट में खड़ा किया। तो जरूरी नहीं कि हम जीत ही जाएं, हार भी सकते हैं। तब आप पूछेंगे राजीव भाई फिर क्या करें, तो एक दूसरा रास्ता भी है। दूसरा रास्ता क्या है, आखिरकार हम मुकदमा जो कर रहे हैं और इस मुकदमे में हम कल को जीतेंगे तो निकलेगा नतीजा यही ना कि टेलीविजन पे जाहिरात आना बंद हो जाएगा। मान लीजिए ये मुकदमा ना भी हो तो भी टेलीविजन का जाहिरात बंद हो सकता है। आप पूछेंगे वो कैसे, आपके घर में जो टेलीविजन का स्विच है उसको ऑफ कर दीजिए, बंद हो गया। समझ में आया, अभी हम केस करेंगे, केस जीतेंगे, उसके बाद टीवी का वो बंद होगा, इससे अच्छा ये है रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में, स्विच ऑफ कर दीजिए, बंद हो गया। हो गया कि नहीं, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की क्या जरूरत है। तो ये जो दूसरा रास्ता है ये बहुत आसान है, क्योंकि इसका कंट्रोल हमारे हाथ में है। हम चाहें तो टेलीविजन का स्विच ऑफ कर सकते हैं, हम चाहें तो टेलीविजन का प्लग निकाल सकते हैं, हम चाहें तो अपने घर का केबल कनेक्शन काट सकते हैं, हम चाहें तो टीवी का तार काट सकते हैं। हमको कोई रोकने वाला है क्या, अपने घर का टीवी का तार काटें कोई रोकने आएगा क्या आपको, अपने रिमोट कंट्रोल से टीवी का स्विच ऑफ करें कोई मना करने आएगा आपको। तो ये तो बहुत आसान काम है, तो इसको कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, कर सकते हैं, अरे तो तेजी से बोलिए। हाँ, अभी क्यों करें ये काम ये भी समझ लीजिए। मैंने आपको कहा कि टेलीविजन पे जब जाहिरात आए तो टीवी का स्विच ऑफ करें, क्यों, क्योंकि ये टेलीविजन जाहिरात नहीं दिखाता, झूठ बोलना सिखाता, और ये टेलीविजन जाहिरात के माध्यम से लगातार झूठ बोलता रहता। कितना बड़ा बड़ा झूठ बोलता है टेलीविजन, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। टेलीविजन पे एक जाहिरात आता, उसमें कहते हैं लाइफ बॉय है जहां, अभी ले बताओ तुम लोग कि अगर तंदुरुस्ती लाइफ बॉय से आती है तो भोजन क्यों करते हो। ऐसा करो कल से भोजन करना बंद, और एक एक लाइफ बॉय खरीदो और दिन में 10-10 बार लगाओ, तंदुरुस्ती बनेगी नहीं बनेगी। तो फिर ये टीवी कैसे कहता है तंदुरुस्ती है वहां, लाइफ बॉय है जहां, झूठ है ना। अच्छा फिर एक दूसरी बात सुनो, टेलीविजन क्या कहता है, एक खिलाड़ी है वो फुटबॉल खेलना नहीं जानता, जब लाइफ बॉय लगा के फुटबॉल खेलने जाता है तो चैंपियन हो जाता। अभी तुम लोग मुझे एक बात बताओ कि अगर लाइफ बॉय लगाने से खिलाड़ी चैंपियन होता तो भारत की फुटबॉल टीम अभी क्यों नहीं खेली, विश्व कप हुआ था, अभी फ्रांस में विश्व कप हुआ था। फ्रांस नाम के देश में फुटबॉल का विश्व कप हुआ था, उस विश्व कप में भारत ही नहीं खेला, बाकी सब खेले, चीन खेला, जापान खेला, जर्मनी खेला, अमेरिका खेला, स्वीडन खेला, कैमरून खेला। तुमको मालूम है कैमरून कितना बड़ा देश है, ये जो गोवंडी गांव है ना इसका आधा, तुम्हारे गांव का आधा है एक देश, उसका नाम है कैमरून, वो खेला फुटबॉल के मैच में, और हम 98 करोड़ की आबादी वाले खेले ही नहीं। क्यों नहीं खेले, लाइफ बॉय नहीं था। अगर हर खिलाड़ी को एक एक लाइफ बॉय दिया होता तो चैंपियन तो हम ही बन जाते, बनते कि नहीं, बन जाते। तो ये टीवी झूठ बोलता है। अभी मैं एक तीसरा उदाहरण देता हूं, टीवी देखो कितना झूठ बोलता है, टीवी कहता है लाइफ बॉय नल में छुपे कीटाणुओं को धो डालता। टीवी कभी ये नहीं कहता कि लाइफ बॉय नल में छुपे कीटाणुओं को मारता है, हमेशा कहता धो डालता। इसका मतलब क्या है, जो कीटाणु नल में छुप गए हैं इनको धो पहुंचकर और तंदुरुस्त बनाता।
अभी तुमको मैं एक माहिती देना चाहता हूं कि यूरोप के देशों में लाइफ बॉय बिकता है, खासकर हॉलैंड में काफी बिकता, लेकिन वहां लाइफ बॉय को कहते हैं कार्बोलिक सोप और उस पर अंग्रेजी में लिखा होता है ओनली फॉर डॉग। समझ में आया मैंने क्या बोला? लाइफ बॉय ऐसा साबुन है जिससे यूरोप में सिर्फ कुत्ते नहाते हैं। अभी उस साबुन से तुम नहा रहे हो? अगर नहा रहे हो तो सोच लो क्या हो रहे हो तुम। ये तो कुत्तों के नहाने वाला साबुन है, इससे हमको नहाना चाहिए? तो इसलिए लाइफ बॉय भी बंद करो और टीवी का जाहिरात भी बंद करो। देखा तुमने टीवी कितना पागल बनाता, कितना झूठ बोलता। और ये बात लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां पिछले 50 साल से बोल रहा है टीवी। टीवी बोलता था अभी 14-15 साल से, तो उसके पहले यह जाहिरात सिनेमा में आता था, उसके पहले यह जाहिरात अखबार में आता था, पत्रिकाओं में आता था। इसलिए मैंने तुमको कहा कि टीवी तो बहुत झूठ बोलता, तो ये झूठ बोलने वाला टीवी इसको देखना चाहिए? हमको तो ये कहा गया है कि झूठ कभी देखो मत, तो टेलीविजन तो झूठ ही दिखा रहा। ऐसे मैं तुमको एक दूसरा उदाहरण देता हूं। टेलीविजन देखो कितना झूठ बोलता है। टेलीविजन में एक जाहिरात आता है कॉम्प्लॉन का, उसमें एक छोटा सा बच्चा कहता है आई एम ए कॉम्प्लॉन बॉय, कहता है। फिर एक छोटी सी बच्ची कहती है आई एम ए कॉम्प्लॉन गर्ल। अब इसका मतलब समझो, आई एम ए कॉम्प्लॉन बॉय माने मैं कॉम्प्लॉन का लड़का हूं। फिर वो बेटी कह रही है मैं कॉम्प्लॉन की लड़की हूं। अभी तुमको मालूम है कॉम्प्लॉन क्या है? कॉम्प्लॉन है टिन का डिब्बा। अभी ये बताओ टिन के डिब्बा के लड़का लड़की हो सकते? ऐसा तुमने कभी देखा है दुनिया में? कहीं सुना है तुमने? तो ये टीवी में कहां से आ गया? झूठ है ना, तो झूठ देखना चाहिए, तो टीवी देखना चाहिए? कौन कौन नहीं देखेगा, हाथ उठाओ जरा। हाँ शाबाश, बैठ जाओ। ये टीवी सिर्फ झूठ दिखाता है, झूठ के अलावा कुछ दिखाता नहीं। ऐसे मैं तुमको एक तीसरा उदाहरण देता हूं। टीवी में एक जाहिरात आता है, उसमें दिखाते हैं एक पेन है, उसका नाम है रोटोमैक। क्या कहते हैं? लिखते लिखते, अरे वाह। ऐसा भी पेन आता है दुनिया में जिससे लिखते लिखते सब हो जाए? ऐसा पेन आता है दुनिया में? तो ये झूठ है कि नहीं? तो झूठ देखना चाहिए? ऐसे देखो टीवी पे जाहिरात आता है, उसमें दिखाते हैं फेयर एंड लवली। क्या कहता है? गोरेपन की क्रीम। अभी टीवी रोज कहता है फेयर एंड लवली गोरेपन की क्रीम, फेयर एंड लवली गोरेपन की क्रीम। अभी तुम लोग मुझे ये बताओ कि अगर फेयर एंड लवली लगा के सब गोरे हो जाते तो दक्षिण भारत में तो कोई काला नहीं होना चाहिए अभी तक। ऐसा हो सकता है? फेयर एंड लवली लगा के गोरे हो सकते हैं सब? तो फिर यह गलत है कि नहीं? तो गलत बात देखनी चाहिए? तो इसलिए टीवी देखना बंद करोगे? हां, इसलिए भी टीवी देखना बंद कि उससे भी बड़े बड़े झूठ दिखाता है ये टीवी। टीवी में क्या क्या झूठ दिखाते हैं? टीवी में एक जाहिरात आता है वो कॉलगेट का। कॉलगेट के जाहिरात में क्या दिखाते हैं? दो पति पत्नी साथ साथ चलते, थोड़ी देर के बाद पत्नी मुंह फेर लेती है। किससे? अपने पति से। क्या बोलती है? कैसे कहूं इनकी सांस में बदबू आती है। उसकी सहेली कहती है सांस में बदबू, चल मेरे साथ। दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं अरे कॉलगेट का सुरक्षा चक्र तो अपनाया नहीं, सांस में बदबू तो आएगी। तो उनकी पत्नी कॉलगेट खरीद लाती है, अपने पति को कहती है कॉलगेट घसो। तो पति महोदय कॉलगेट घिसते हैं। कॉलगेट करने के बाद दिखाते हैं पति के नजदीक पत्नी आ जाती है और नीचे एक लाइन लिखते हैं दूरियां नजदीकियां बनी। जानते हैं उसका मतलब क्या? इसका मतलब दो पति पत्नी अगर कॉलगेट नहीं करेंगे तो बहुत दूर दूर रहेंगे, कॉलगेट करेंगे तभी नजदीक आएंगे। अब इससे बड़ा पागलपन है दुनिया में? भारतीय संस्कृति में कहते हैं पति पत्नी का रिश्ता परस्पर प्रेम, परस्पर विश्वास, परस्पर सद्भाव पे टिका होता। ये टेलीविजन कहता है नहीं, कॉलगेट पेस्ट पे टिका हुआ है।
इसलिए तुम जिसको टेलीविजन कहते हो उसको मैं इडियट बॉक्स कहता हूं। और कभी कभी ये इतना इडियोसिटी दिखाता है टेलीविजन, टेलीविजन में एक जाहिरात आता है चिकलेट की गोलियों का, अब उसमें क्या दिखाते हैं, एक लड़का है दिखने में बहुत ही गंदा, मोटा ताजी एकदम, शक्ल से बहुत ही बेवकूफ, वो चिकलेट की गोलियां लेके आता है और एक बहुत सुंदर सी लड़की को वो गोलियां दे देता, उसके बाद लड़की उसके पीछे पीछे चल देती। इसका मतलब समझते हो, भारत की सुंदर लड़कियां इतनी फालतू हैं क्या जो चिकलेट की गोली पर किसी के भी पीछे चल रहे। तुमको मालूम है इससे बड़ा महिलाओं का कोई दूसरा अपमान नहीं है। ये रोज टेलीविजन हमारे देश में इसी तरह की उल्टी उल्टी बातें दिखाता, तो मैंने तुमको पहले कहा कि इसलिए टीवी नहीं देखना चाहिए क्योंकि ये सब झूठ दिखाता। कुछ बच्चे ऐसा कहते हैं राजीव भाई आपकी बात हमने मान ली, अभी हम टीवी में जाहिरात तो नहीं देखेंगे, लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं उसमें चित्राहार तो आता है वो तो देखेंगे, या तो उसमें फिलिप्स टॉप टेन आता है वो तो देखेंगे, अभी कॉलगेट टॉप टेन आता है वो तो देखेंगे। अभी तुम बताओ ये देखो चित्राहार, फिलिप्स टॉप टेन, कॉलगेट टॉप टेन, ये सब फालतू के कार्यक्रम, इसमें क्या आता है, कुछ गीत आते हैं, गाने आते हैं, और ऐसे घटिया घटिया गाने आते हैं, ऐसे रद्दी रद्दी फालतू के गाने आते हैं जो कभी देखने नहीं चाहिए। उदाहरण के लिए उसमें गीत आता है चोली के पीछे क्या है, या ऐसे ही गीत आता है चीज बड़ी है मस्त मस्त, या ऐसे ही एक फालतू का गीत आता है आती है क्या खंडाला। अभी तुम लोग मुझे ये बताओ कि ऐसे घटिया घटिया गीत, फालतू के गीत देखने चाहिए, और ये फालतू के गीत ऐसे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। एक एक से ऐसे ऐसे फालतू के गीत लिखते हैं हिंदुस्तान में और उनको सिनेमा में भर भर के दिखाते हैं जिसका कोई मतलब नहीं, और ये सब गंदे गंदे गीत, गंदे गंदे गाने देख देख कर हम लोग फिर उसी को गाते हैं, फिर उसी तरह का चरित्र हमारा धीरे धीरे बनता चला जाता है। तुमको मालूम है भगत सिंह कौन सा गीत गाता था, भगत सिंह गाता था मेरा रंग दे बसंती चोला। किस विद्यार्थी को यह गीत पूरा आता है, किसी को नहीं आता। और अभी मैं पूछूं आती है क्या खंडाला किसको आता है, देखो कितने हाथ उठा दिए, मेरा रंग दे बसंती चोला किसी को नहीं आता, जो आना चाहिए गीत वो नहीं आता, और जो नहीं आना चाहिए वो हम सब जानते हैं। हमारा दिमाग खराब हो रहा है, इसलिए मेरा तुमसे दूसरा भी निवेदन है कि ये फालतू के घटिया घटिया गीत देखने बंद करो। तुमको मैं एक बहुत मार्मिक बात पूछना चाहता हूं, मान लो तुम्हारी माताजी तुम्हारे साथ बैठी है और टेलीविजन पे गीत आता है चोली के पीछे क्या है, अपनी मां के साथ बैठकर ये गीत देख सकते हो। मान लो तुम्हारे साथ तुम्हारे पिताजी बैठे हैं और गीत आता है चीज बड़ी है मस्त मस्त, देख सकते हो अपने पिताजी के साथ बैठकर। मान लो तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारे साथ बैठी है और गीत आता है आती है क्या खंडाला, देख सकते हो। तो जो गीत हम हमारी मां के साथ नहीं देख सकते, जो गीत हम हमारे पिताजी के साथ नहीं देख सकते, जो गीत हम हमारी बहन के साथ बैठकर नहीं देख सकते, वो गीत टीवी पे क्यों देखें, समझ में आया। इसलिए चित्रहार देखना बंद करोगे, फिलिप्स टॉप टेन बंद करोगे देखना, कौन कौन बंद करेगा हाथ उठाओ, हाँ अभी हाथ नीचे करो। अभी एक तीसरी बात और समझाता हूं, कुछ बच्चे ऐसा बोलते हैं कि राजीव भाई आपकी बात समझ में आई, अभी हम चित्रहार नहीं देखेंगे, ये फालतू के गीत नहीं देखेंगे, लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं उसमें अच्छे अच्छे सीरियल तो आते हैं। अभी क्या सीरियल आते हैं, शांति है, स्वाभिमान है, तारा है, बनेगी अपनी बात, हम पांच, अमानत, सब सीरियल फालतू के, एक भी सीरियल ऐसा नहीं है जिसमें कुछ भी कायदे की बात आती है। देखो हर एक सीरियल में क्या आता है, पति पत्नी के झगड़े, बाप बेटे के झगड़े, पड़ोसियों के आपस में झगड़े, भाई बहन के झगड़े, मां बेटे के झगड़े, मां बेटी के झगड़े, बाप बेटी के झगड़े, बाप बेटे के झगड़े, बिजनेस पार्टनर के आपस में झगड़े, कोई किसी को मरवा रहा है, कोई किसी के घर में चोरी करवा रहा है, कोई किसी के घर में डकैती डलवा रहा है, कोई किसी के लिए सुपारी दे रहा है, कोई किसी के लिए सुपारी ले रहा, यही सब तो आता है। हर एक सीरियल में झगड़े ही झगड़े, झगड़े ही झगड़े, एक भी सीरियल ऐसा नहीं है जिसमें कोई कायदे की बात आती, और ऐसे ऐसे झगड़े दिखाते हैं जिनके बारे में हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। तुम
तुम लोग मुझे बहुत ईमानदारी से बताओ कि स्वाभिमान नाम के सीरियल में जिस तरह के झगड़े आते हैं वैसे तुम्हारे घर में होते हैं कभी? स्वाभिमान में जिस तरह के मम्मी पप्पा दिखाते हैं वैसे तुम्हारे हैं? स्वाभिमान में जिस तरह के भाई बहन आते हैं वैसे तुम्हारे हैं? तो फिर क्यों देखना चाहिए? ये देखना चाहिए? ये तो देखने लायक नहीं है। और ऐसे सब सीरियल फालतू के, और हर एक सीरियल में क्या दिखाएंगे? किसी की पत्नी किसी के साथ भाग गई, किसी का पति किसी के साथ भाग गया, किसी का प्रेमी किसी के चक्कर में फंस गया, किसी की प्रेमिका किसी के चक्कर में फंस गई। यही सब उल्टी सीधी बातें, यही देखना है हमको? ये किसी इम्तिहान में आता है क्या? पढ़ाई में पढ़ाया जाता है क्या? तो फिर क्यों देखें इसको? तो इसलिए ये फालतू के सीरियल देखना भी बंद करोगे? हाथ उठाओ फिर, अभी हाथ नीचे करो। कुछ लोग ऐसा कहते हैं राजीव भाई उसमें कुछ धार्मिक सीरियल भी तो आते हैं, अभी जैसे ओम नमः शिवाय है, वीर हनुमान है, श्री कृष्ण है। अभी देखो ये जितने धार्मिक सीरियल हैं इसमें क्या है? मान लो ओम नमः शिवाय आता है, हम उसको बैठ के देखते हैं। हम इसलिए देखते हैं कि उसमें शंकर जी पार्वती का किस्सा आता है। अभी शंकर जी पार्वती पे हमारी बहुत श्रद्धा है इसलिए हम उसको बैठकर देखते हैं। लेकिन जैसे ही 10 मिनट शंकर जी पार्वती का किस्सा आएगा बीच में घुसाएंगे कॉलगेट का जाहिरात, फिर घुसाएंगे पेप्सोडेंट का जाहिरात, फिर घुसाएंगे बीपीएल का जाहिरात। तो 5 मिनट हम जाहिरात देखते रहेंगे, हम भूल जाएंगे क्या किस्सा आया था। फिर 10 मिनट किस्सा आएगा शंकर जी पार्वती का, फिर घुसा देंगे जाहिरात। फिर 10 मिनट किस्सा आएगा, फिर घुसाएंगे जाहिरात। आधा घंटे के सीरियल में 15 मिनट आपको किस्सा दिखाएंगे, 15 मिनट जाहिरात दिखाएंगे। और सीरियल खत्म होने के बाद अगर मैं पूछूं कि तुमने क्या देखा तो तुमको मालूम नहीं कि क्या देखा। किसी को याद नहीं होता कि हमने ये देखा। क्यों नहीं याद होता? क्योंकि बार 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 जो जाहिरात उन्होंने दिखा दिया हमको, उस जाहिरात के कारण हमको टीवी का कोई किस्सा याद ही नहीं रहता। तो क्या फायदा देखने से फिर? ऐसे ही कुछ बच्चे कहते हैं राजीव भाई उसमें शक्तिमान भी तो आता है। अभी देखो शक्तिमान ऐसा सीरियल है जो पूरी दुनिया में सबसे फालतू, सबसे बकवास। अभी तुम मुझे यह बताओ कि शक्तिमान नाम के सीरियल में जो शक्तिमान है वैसा तुम्हारे मोहल्ले में है, तुम्हारे गली में है, तुम्हारे गांव में है, तुम्हारे देश में है? तो फिर टीवी में कहां से आया ये शक्तिमान? टीवी में कहां से आ गया? हमारे देश में नहीं, हमारे गली में नहीं, हमारे मोहल्ले में नहीं, हमारे गांव में नहीं, तो टीवी में कहां से आया? सब हम्बग है, झूठ है, एक भी सच नहीं है। लेकिन हमारी तकलीफ क्या है कि हम यही झूठ बार बार देखते हैं, बार बार देखते हैं, बार बार देखते हैं, तो फिर पागल हो जाते हैं। तुमको मैं एक सच्चा किस्सा बताना चाहता हूं। शक्तिमान देख देख कर हिंदुस्तान के बच्चे पागल हो रहे हैं। मैं तुमको एक लड़के की कहानी सुनाता हूं। भोपाल नाम का एक शहर है मध्य प्रदेश में। उस भोपाल नाम के शहर के बाजू में एक गांव है, उस गांव का नाम है सीहोर। वहां एक 15 साल का लड़का रहता था और वो शक्तिमान देखकर पागल हो गया। कैसे पागल हो गया? वो बार बार शक्तिमान देखता था, बार बार शक्तिमान देखता था, बार बार शक्तिमान देखता था। एक दिन उस लड़के को ऐसा लगा कि ये शक्तिमान ऐसा आदमी है जब भी कोई संकट में फंस जाता है तो उसको बचाने के लिए शक्तिमान आता है। तो एक दिन उस लड़के ने क्या किया, उसके मां और पिताजी दोनों गांव गए थे सब्जी खरीदने के लिए। लड़के ने घर का दरवाजा बंद किया और अंदर से ताला लगा दिया। रसोई घर में गया, रसोई घर में से केरोसिन ऑयल लेके आया, रॉकेल लेके आया और उसने अपने पूरे शरीर पर डाल लिया। उसके बाद दियासलाई से उसने आग लगाई अपने कपड़ों में, फिर वो जलने लगा। जब वो जलने लगा तो उसने चिल्लाना शुरू किया, शक्तिमान आओ मुझे बचाओ, शक्तिमान आओ मुझे बचाओ। अभी शक्तिमान कहीं होता तो आता? 1.5 घंटे तड़प तड़प कर वो बच्चा जलकर मर गया। जब तक उसके मां बाप वापस लौटे तब तक वो जलकर मर चुका था। अभी सोचो कि शक्तिमान से कितना पागल बनते हैं बच्चे। ऐसे ही मैं चंद्रपुर नाम के एक गांव में गया था, महाराष्ट्र में विदर्भ में एक गांव है चंद्रपुर, छोटा सा जिला है। वहां मैं एक विद्यार्थी से मिला, उसकी उम्र है 11 वर्ष और वो भी शक्तिमान देखकर पागल हुआ। कैसे पागल हुआ?
वो 11 वर्ष का जो विद्यार्थी है, बार बार शक्तिमान देखता था, बार बार शक्तिमान देखता था। एक दिन उसको इतनी उत्तेजना आई कि वो अपनी छत पर चढ़ गया और जैसे शक्तिमान कूदता है गोल गोल घूमते हुए, वैसे कूद गया। अभी सड़क से गिरा, उसके दोनों पैर टूट गए। मैं जब उससे मिलने गया तो वो उसके दोनों पैर में प्लास्टर लगा हुआ था। जो डॉक्टर उसका इलाज कर रहा था, मैंने उससे पूछा कि ये ठीक होगा क्या? डॉक्टर ने कहा, राजीव भाई कोई उम्मीद नहीं है, इसके दोनों पैर हमेशा के लिए खराब हो गए। चोट इतनी गहरी लगी है कि इसको पैरालिसिस हो गया है, अब इसके पैर ठीक नहीं हो पाएंगे। तो पूरे जिंदगी के लिए वो लड़का शक्तिमान के चक्कर में बर्बाद हो गया। जब मैं उसके घर में गया तो उसकी मां रोती थी, उसका बाप भी रोता था और मेरे सामने दोनों मां बाप रोते थे और ये बोलते थे, राजीव भाई अभी क्या बताएं, हमारा तो ये अकेला बेटा था और इसकी भी जिंदगी बेकार हो गई। तो दोनों मां बाप को मैंने डांटते हुए कहा कि तुमने जब अपने घर में टीवी खरीदा था और केबल कनेक्शन लगाया था, तब ये ध्यान नहीं आया तुमको कि हमारा एक छोटा सा बेटा है, वो बर्बाद भी हो सकता, अब क्यों रोते हो? तो उसकी माँ ने कहा रोते रोते, राजीव भाई अभी हम इसलिए रोते हैं कि आप तो पूरे देश में घूमते हैं, आप एक काम करिएगा कि मेरे बेटे के साथ जो घटना हुई है वो बात आप सब बच्चों को बताइएगा ताकि कोई भी बच्चा शक्तिमान ना देखे। तो देखोगे शक्तिमान। अभी मैं तुमको एक और सच्चा किस्सा बताता हूं कि टेलीविजन देखकर किस तरह से बच्चे पागल होते हैं। पिछले साल अहमदाबाद शहर में एक 7 साल की बच्ची थी, वो टीवी का जाहिरात देख देख कर कितनी पागल हुई। उस बच्ची का एक भाई था, उसकी उम्र थी 1.5 साल की, तो उस 1.5 साल के भाई को उस 7 साल की लड़की ने एक दिन वॉशिंग मशीन में डाल दिया। क्यों डाल दिया? उस लड़की को ऐसा लगता था कि वॉशिंग मशीन में कोई भी चीज डालो धुलकर साफ हो जाती है। तो उसका भाई जो भाई था 1.5 साल का, वो थोड़ा काले रंग का था, इसलिए उसने उसको वॉशिंग मशीन में डाल दिया और उसने उसका बटन चला दिया और उसके बाद वो 1.5 साल का बच्चा मर गया। अभी सोचो कैसे पागल होते हैं बच्चे। मैं तुमको मेरे शहर की एक घटना बताता हूं। मैं जिस इलाहाबाद नाम के शहर में रहता हूं, वहां एक मेरे पड़ोसी का बेटा जिसकी उम्र थी मुश्किल से 5-5.5 साल, एक दिन वो भी पागल हो गया टीवी देख देखकर। कैसे पागल हुआ? वो 5-5.5 साल का बच्चा था, रोज टीवी देखता था, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे रोज टीवी देखता। एक दिन उस बच्चे को ऐसा लगा कि टीवी में जो कुछ दिखाते हैं वो सब सच होता। तो उसने क्या किया, एक दिन वो अपनी छत पे चढ़ गया और उसने अपने पैर में रस्सी बांधी और छत पर से वो उल्टा कूद गया। एक थम्स अप का जाहिरात आता था, उसमें एक बच्चे को दिखाते थे कि वो रस्सी बांधकर उल्टा कूदता, तो वो भी कूद गया छत पर। अभी वो सड़क पे गिरा, उसका सिर फटा और वो मर गया। ऐसे बच्चे पागल होते हैं टीवी देखकर। और सिर्फ भारत में ही नहीं, अमेरिका में भी बच्चे टीवी देख देख कर पागल होते हैं। भारत में कम, अमेरिका में ज्यादा पागल होते हैं। अमेरिका में पिछले 35 वर्षों में टीवी देख देख कर 2 करोड़ बच्चे पागल हो गए। और अमेरिका में जो बच्चे पागल होते हैं उनकी तो तुम सोच भी नहीं सकते। अभी 3 महीने पहले अमेरिका की जो राजधानी है उसका नाम है वॉशिंगटन डीसी, वहां एक दुर्घटना हुई। एक प्राइमरी स्कूल में 2 विद्यार्थियों ने, जिनकी उम्र थी 11 साल और 13 साल, अपने ही स्कूल के 5 विद्यार्थियों का मर्डर कर दिया राइफल से। और अध्यापक उनको बचाने के लिए आया तो अध्यापक को भी गोली मार दी उन बच्चों। अभी 11 साल का लड़का और 13 साल का लड़का अमेरिका में मर्डर करता, पुलिस ने उन दोनों विद्यार्थियों को पकड़ा। फिर पुलिस ने उनसे पूछा कि तुमने ये मर्डर क्यों किया, तो उन दोनों बच्चों ने कहा कि हम तो रोज टीवी पर ऐसे ही मर्डर होते हुए देखते हैं, तो हमने तो वहां से सीखा और कर दिया। अभी वो दुर्घटनाएं भारत में भी शुरू हो गई। एक दिन ठाणे में, ठाणे का नाम सुना, वो ठाणे में एक 13 साल का विद्यार्थी और एक शायद 14-15 साल का विद्यार्थी, उन्होंने अपने घर में काम करने के लिए आने वाली नौकरानी को जिंदा जला दिया, यही ठाणे में हुआ। और वो लड़की जिसको जिंदा जलाया उसकी उम्र थी 17 साल, दोनों ने उसके हाथ पकड़ लिए, फिर केरोसिन ऑयल डाल दिया, फिर आग लगा दी, वो लड़की जलकर मर गई। उन दोनों विद्यार्थियों को भी पुलिस ने पकड़ा, पुलिस ने पूछा तुमने क्यों जलाया,
दोनों लड़कों ने कहा कि हम तो सिनेमा में ऐसा ही देखते हैं बार बार, तो हमने जला दिया। फिर यहीं पर उल्लासनगर नाम का एक छोटा सा गांव है, उस उल्लासनगर में टीवी देख देख कर एक लड़का तो इतना पागल हुआ कि उसने अपनी सगी बहन और बहन के पति दोनों का मर्डर कर दिया भरे भीड़ भरे चौराहे पर। और उस लड़के को भी जब पुलिस पकड़ के ले गई तो लड़के ने कहा कि मैं इतना उत्तेजित हो गया था, दो तीन दिन से लगातार वो कोई ऐसी फिल्म देख रहा था जिसमें मर्डर करना दिखाते थे, तो उसके दिमाग में इतना बैठ गया था मर्डर करने की बात कि फिर उसको होश नहीं रहा और उसने अपनी सगी बहन और बहन के पति का मर्डर कर दिया पुलिस स्टेशन के सामने। मैं ऐसे एक तुमको और सच्ची घटना बताता हूं। एक बार मैं सांगली गया, सांगली महाराष्ट्र में ही है, पश्चिम महाराष्ट्र में है, कोल्हापुर जिले का एक छोटा सा गांव है, शायद सांगली अब खुद भी जिला बन गया होगा। उस सांगली में क्या हुआ कि एक 17 साल की लड़की थी, उसका नाम था अमृता देशपांडे। उसको एक 24 साल के लड़के ने 18 बार चाकू मारा पेट में, और बस स्टैंड पर, और बस स्टैंड पर चाकू मारते हुए हजारों लोगों ने देखा, लेकिन सब इतने नपुंसक और कायर थे कि उस लड़के को पकड़ने की हिम्मत किसी में नहीं हुई और वो चाकू मार के भाग गया। एक भाई को मैंने पूछा जब मैं सांगली गया, जो उस समय घटना को देख रहा था, मैंने कहा वो लड़का चाकू मार रहा था और तुम लोगों में किसी के मन में इतनी भी दया नहीं आई कि वो अकेली लड़की को बचाओ? तो जो भाई ने मुझे जवाब दिया वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। उसने कहा, राजीव भाई, टेलीविजन पर रोज चाकू मारते हुए हम देखते हैं, सिनेमा में रोज चाकू मारते हुए हम देखते हैं, तो बार बार ये चाकू मारते हुए जब हम देखते हैं तो हमारे मन से चाकू मारने वाले के प्रति घृणा खत्म हो जाती है, तो हम पकड़े क्यों उसको? उस दिन मुझे समझ में आया कि बार बार जब हम हिंसा देखते हैं, बार बार जब हम वॉयलेंस देखते हैं टेलीविजन पर, वो चाहे गोली मारने की हो, चाहे चाकू मारने की हो, चाहे किसी की हत्या करने की हो, चाहे किसी को ऊपर से पटकने की हो, ये बार बार की जो वॉयलेंस है, बार बार की जो हत्या है, या बार बार के हत्या के जो दृश्य हैं, ये हमारे मन से दया खत्म कर देते हैं, करुणा खत्म कर देते हैं, प्रेम खत्म कर देते हैं। फिर असली जीवन में अगर ये दुर्घटना हो जाए तो हमको कोई तकलीफ नहीं होती, हम बाजू से बचकर निकलकर चले जाते हैं। किसी की डेड बॉडी पड़ी हुई हो, हम बाजू से बचकर निकलकर चले जाएंगे ये सोचते हुए, अरे कौन सिर दर्द लेगा, क्योंकि बार बार डेड बॉडी देखना हमारी आदत बन गई है टीवी के माध्यम से और सिनेमा के माध्यम से। जब आदमी के मन से दया खत्म हो जाती है, करुणा खत्म हो जाती है, प्रेम खत्म हो जाता है, तो वो आदमी नहीं रहता, जानवर हो जाता है। अभी तुम मुझे ये बताओ कि तुमको इंसान बनना है या जानवर? तो फिर टीवी देखोगे, सिनेमा देखोगे? हाथ उठा दो अब की बात। हम में से कोई भी टीवी नहीं देखेगा, सिनेमा नहीं देखेगा, क्योंकि ये टीवी और सिनेमा देखने से ना तो हमारे जीवन का कोई फायदा हो रहा है, ना हमारे जीवन में कोई भला हो रहा है, नुकसान ज्यादा से ज्यादा हो रहा है, फायदा इसका बिल्कुल नहीं हो रहा है। और मैं तुमको एक बहुत गंभीर बात बताना चाहता हूं कि ये टेलीविजन दुनिया की सबसे खराब मशीन है, और ये मैं बोलता हूं, मेरी पूरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई इसी टेलीविजन में हुई है, उसके बावजूद मैं कहता हूं कि दुनिया की सबसे खराब टेक्नोलॉजी। क्यों? तुमको एक बहुत गंभीर बात मैं समझाना चाहता हूं, अगर समझ में आ जाए, कि जितनी देर हम बैठकर टेलीविजन देखते हैं उतनी देर हमारा दिमाग बंद रहता है, हम कुछ सोच नहीं पाते, हम कुछ सोच नहीं सकते। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जिसको करते हुए हमारा दिमाग बंद होता। हम जब सो जाते हैं तब भी दिमाग चालू रहता, और सोते समय जब दिमाग चालू रहता है तो उसी में फिर सपने आते। दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो सपना ना देखता हो, हर व्यक्ति सपना देखता है। इसका मतलब सोते हुए भी हमारा दिमाग चालू रहता है, लेकिन टेलीविजन देखते हुए दिमाग बंद रहता है। हम पुस्तक पढ़े, पुस्तक पढ़ते हुए हम सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लो तुम कोई कहानी की पुस्तक पढ़ो, और एक कहानी पढ़ो, कहानी ऐसी होगी, एक राजा था एक रानी थी। अब जैसे ही तुमने पढ़ा कि एक राजा था एक रानी थी, तुरंत तुम्हारे दिमाग में कल्पना आएगी, राजा कैसा था, रानी कैसी थी, राजा का महल कैसा था,
रानी का महल कैसा था, वो रहते कैसे थे, ये सारी कल्पना एक क्षण में आ जाती है मन में जब हम एक सेंटेंस पढ़ते हैं, एक राजा था एक रानी थी। लेकिन जब टेलीविजन देखते हैं तो ये सब कल्पना गायब हो जाती है। ये कल्पना का आना और गायब होना दिमाग के चिंतन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हमारा दिमाग सोचता रहेगा, चिंतन करता रहेगा, तो कल्पना आती रहेगी। अगर दिमाग ने सोचना बंद किया, चिंतन करना बंद किया, तो कोई कल्पना नहीं आ सकती। दुनिया में जिस व्यक्ति का दिमाग सोच नहीं पाता, चिंतन नहीं कर पाता, उसी को पागल कहते हैं। तुमको मालूम है मेडिकल साइंस में पागल की परिभाषा क्या है? पागल की परिभाषा माने वो व्यक्ति जो सोच नहीं सकता, विचार नहीं कर सकता, जिसके दिमाग का चिंतन बंद हो जाता है, वही पागल होता है। तो जितनी देर हम टीवी देखते हैं हम खुद पागल होते हैं, क्योंकि हम सोच नहीं पाते, क्योंकि हम चिंतन नहीं कर पाते। और ये सोचना और चिंतन करना जो हमारा बंद हो रहा है, यही सबसे बड़ा खतरा है। और मैं तुमको इससे भी ज्यादा गहरी एक बात बताना चाहता हूं कि हमारे दिमाग में एक हाइपोथैलेमस नाम की चीज होती है, और हाइपोथैलेमस के पास एक मेडुला नाम का पोर्शन होता है। जब हम टीवी देखते हैं तो उस समय ये हाइपोथैलेमस और मेडुला दोनों काम करना बंद कर देते हैं। अब मैं तुमको एक दूसरी बात बताता हूं कि शरीर का कोई भी हिस्सा अगर हम उससे काम नहीं करवाएंगे और उससे काम नहीं लेंगे, थोड़े दिन तुम उसको ऐसे ही रहने दो, उस हिस्से में या तो सूजन आ जाएगी या वो काम करना बंद कर देगा। तुम एक दिन ऐसा छोटा सा प्रयोग करो कि एक हफ्ते तक अपने दाहिने हाथ को ऐसे ही लटका के रहना, इसको ऊपर नहीं करना, नीचे नहीं करना, हिलाना नहीं, बस ऐसे ही लटका के रखना, तो तुम्हारे दाहिने हाथ में सूजन आ जाएगी पूरे। क्यों? तुमने काम नहीं लिया उस हाथ से, इसलिए वो सूजन आ गई। ऐसे ही तुम पैर, तुम एक हफ्ते के लिए बिस्तर पर लेट जाओ, पैर बिल्कुल मत चलाओ, हिलाओ नहीं, डुलाओ नहीं, तुम्हारे पैर सूज जाएंगे, फिर पैर से चल नहीं पाओगे। ऐसे ही तुम बिस्तर पर लेट जाओ, अपनी पीठ को बिल्कुल हिलाओ डुलाओ मत, एक ही पोजीशन में जैसे लेटे हो वैसे ही लेटे रहो, तो तुम्हारी पीठ में बड़े बड़े फोड़े हो जाएंगे, बैड सोर हो जाएंगे। क्यों होता है ये सब? शरीर का कोई भी हिस्सा अगर हमने बेकार किया, उससे कोई काम नहीं लिया, तो वो सूजन आती है, या तो उसमें स्वेलिंग आती है, या तो वो बेकार होता है, या तो उसमें जंग लगती है। अब हम सोचें कि जितनी देर हम टीवी देख रहे हैं उतनी देर हमारा हाइपोथैलेमस काम नहीं कर रहा, हमारा मेडुला काम नहीं कर रहा, तो उसमें भी सूजन आ जाएगी, और उसमें अगर सूजन आई तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, तुमको कैंसर भी हो सकता है, हो सकता है तुम्हारा वो हिस्सा काट कर निकालना पड़े थे, और तब तुम्हारी जिंदगी नरक हो जाएगी। तो तुमने शुरू में तो मजे मजे में टीवी देखा, लेकिन पता चला उससे तो गंभीर बीमारी हो गई। और तुमको मैं एक बात और बताता हूं, टेलीविजन जब चलता है तो उसमें से बहुत ही खतरनाक किरणें निकलती हैं। तुमने सूरज को उगते हुए देखा, सूरज में से किरणें निकलती हैं, लेकिन दोपहर के अगर 12 बजे हो तो सूरज की तरफ आंख करके देख सकते हैं? नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि उसकी किरणें इतनी तेज होती है कि आंख जलने लगती है। जिस तरह से सूरज में से किरणें निकलती हैं और आंखों को जला सकती हैं, वैसी ही किरणें टेलीविजन में से भी निकलती हैं और वो भी तुम्हारी आंखों को जला सकती है। जो किरणें सूरज की रोशनी से निकलती हैं वो टेलीविजन से भी निकलती हैं, और टेलीविजन से निकलने वाली किरणें भी तुम्हारी आंखों को जला सकती हैं, और तब तुम्हारी आंखें खराब हो सकती हैं। फिर हो सकता है तुमको दिखना कम हो जाए, तुमको चश्मा लगाना पड़े, तुमको आंखों में दर्द होने लगे, तुम्हारे दिमाग में भी दर्द होने लगे। लगातार टीवी देखने से एक बहुत खतरनाक किस्म का दर्द होता है, उसको कहते हैं माइग्रेन। माइग्रेन ऐसा दर्द है जो आधे हिस्से में होता है, कभी भी राइट लेफ्ट में होगा या लेफ्ट पोर्शन में होगा, कहीं भी हो सकता है। और माइग्रेन में एक बार फंसे तो आसानी से इसका इलाज भी नहीं होगा। एक और बड़ी संकट है टेलीविजन की, कि जब हम सब लोग टेलीविजन देखते हैं तो आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं, एक मिनट के लिए भी हम हमारी पलक नहीं झपकाते, आंखें फाड़ फाड़ के टीवी देखते रहते हैं। तुमको मालूम है कि हर एक सेकंड में पलक झपकनी चाहिए, नहीं तो आंखें खराब हो जाएंगी। एक मिनट में कम से कम 60 बार हमारी पलक झपकनी चाहिए, एक मिनट में कम से कम 60 बार आंखें बंद होनी चाहिए, खुलनी चाहिए।
लेकिन हम तो टीवी देखते हैं तो हो सकता आधा आधा घंटे तक आंखें फाड़े फाड़े देखते रहे, क्योंकि हमारे मतलब का अगर कोई सीन आता है तो हम भूल भी जाते हैं कि आंखें भी हैं हमारी। तो तुम तो सत्यानाश कर रहे हो अपनी आंखों का, इसलिए टीवी देखोगे। और ये जो बात मैं समझा रहा हूं समझ के जाना, और अपने घर में जाके अपने माँ पिताजी को भी समझाना। और ये टेलीविजन देखने का शारीरिक नुकसान है, मानसिक नुकसान है, समय का नुकसान है। दो दो घंटे तीन तीन घंटे हम टीवी देखते हैं, मान लो रोज।